नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पद्मभूषण शारदा सिन्हा की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली एम्स में पिछले एक सप्ताह से भर्ती हैं शारदा सिन्हा। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भर्ती हुई थी और हाल ही में उनके पति का निधन हो गया था। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शारदा सिन्हा की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया है। स्वर कोकिला बताई जाती है बिहार की। छठ के जितने भी गीत आपने सुने होंगे उनकी आवाज में, वो हम सबके दिल के बहुत ही करीब हैं। और आज दिल्ली एम्स में पिछले एक सप्ताह से भर्ती हैं शारदा सिन्हा। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भर्ती हुई थी। हाल ही में उनके पति का निधन हुआ था और ऐसे में उनकी स्थिति फिलहाल काफी गंभीर बताई जा रही है। पिछले दो तीन दिनों से उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया है और ऐसे में उनकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पद्मभूषण शारदा सिन्हा की हालत काफी गंभीर है। दिल्ली एम्स में पिछले एक सप्ताह से इलाजरत बताई जा रही है। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद उन्हें भर्ती किया गया था। हाल ही में पति का निधन भी हुआ है। मानसिक तौर पर भी परेशान चल रही थी शारदा सिन्हा और इसी वजह से अभी अपनी बीमारी की वजह से वो अस्पताल में इलाजरत हैं, दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं। पिछले एक सप्ताह से स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। दुआओं के जरिए हो सकता है कि शारदा सिन्हा बेहतर हो जाएं, लेकिन कोशिशें डॉक्टर कर रहे हैं और इस वक्त उनकी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या जानकारी है शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, देखिए एक सप्ताह से लगातार जो है शारदा सिन्हा जी दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और उनके साथ उनकी बेटी और बेटे जो है वहां मौजूद हैं। हालांकि इस प्रकार से विशेष व्यवस्था होनी चाहिए थी। बिहार की धरोहर है और लोक संस्कृति को जिस प्रकार से शारदा सिन्हा ने बढ़ावा दिया है और इसके साथ साथ पद्मश्री पद्मभूषण जैसी उपाधि उन्हें मिली है, स्वर कोकिला कहलाती है। परिजनों का आरोप है कि जिस प्रकार से विशेष इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था नहीं की गई है, वैसा ध्यान नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर वाकई रजनीश व्यवस्था काफी बेहतर होनी चाहिए थी ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, शारदा सिन्हा को लेकर बहुत ही दुखद खबर आ रही है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। क्या सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कुछ पहल की जानी है, क्योंकि वो धरोहर है बिहार की, स्वर कोकिला है? देखिए, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा आज इस स्थिति में है, हम सब लोग के लिए यह बहुत ही अफसोस का विषय है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा बिहार की शान है, बिहार की पहचान है और उनके प्रति बिहार के हरेक व्यक्तियों के हृदय में संवेदना होना चाहिए। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि शारदा सिन्हा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। शारदा सिन्हा के प्रति सरकार संवेदनशील है और उनके प्रति अच्छे से उनके इलाज हो सरकार भी चाहती है और बिहार के हरेक लोग शारदा सिन्हा के मदद के लिए तैयार हो और उनको बेहतर से बेहतर इलाज हो, ये हर बिहारवासी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी शारदा सिन्हा के बेहतर इलाज के लिए हम सब लोग उनके साथ है। शारदा सिन्हा ईश्वर से भी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो और वो एकदम हम लोगों के बीच में आए और ये छठ के लिए शारदा सिन्हा की पहचान जो बनी हुई है बिहार के लोक और नाथा माटी का पर्व का कहीं न कहीं शारदा सिन्हा। वाकई ये बहुत ही दुखद खबर है सर, क्योंकि जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी है इस वक्त स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हमारे साथ नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, क्या आपको खबर थी पहले से कि शारदा सिन्हा की तबीयत खराब चल रही है? नहीं, मुझे अभी आपके द्वारा ही मालूम हुआ है। बिल्कुल ही बिहार के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लोक गायिका और खास करके उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है छठ जैसे महान पर्व को घर घर तक पहुंचा करके लोक भाषा में उसका कैसे प्रकटीकरण होता है, इसके लिए एक मानक के रूप में पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द स्वस्थ हो। नीरज जी, दुआएं तो काम करती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी पहल सरकार की तरफ से की जाएगी ताकि उनको और भी ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके?
अरे इसमें तो कहीं सोचने का जगह भी नहीं है। सरकार तो हर चीज में हर तरह से मदद करेगी, लेकिन दुआ इसलिए जरूरी है कि जितने लोग आज छठ करते हैं हर घर में उनकी उनका गीत बजता है जी, यह बहुत बड़ी चीज है। घर घर तक पहुंचा दी छठ को, तो ये उनका जो भूमिका है उसको आज दुनिया के अंदर में अमेरिका रहे इंग्लैंड रहे सब जगह अगर छठ होता है तो शारदा सिन्हा जी को जरूर याद किया जाता है। वाकई, और इसीलिए शायद उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। नीरज जी, हम आशा करते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें और भी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराई जाए, क्योंकि अभी अभी उनके परिजनों से जब न्यूज 18 की बातचीत हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए थी वैसी व्यवस्था उहें नहीं मिली है। कृपा कर करके हमारे मोबाइल नंबर पर उनके परिजन का नंबर भिजवा दीजिए जी, जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि स्वर कोकिला जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, बेहतर स्थिति में पहुंचे। इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, अब जेडीयू प्रवक्ता की भी बातें हमने सुनी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे नंबर मिलता है तो हमारी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उन्हें बेहतर स्थिति में पहुंचाया जाए। बिल्कुल, देखिए एनडीए की सरकार है और निश्चित रूप से हमारा जो काम है माध्यम बनना और हमने सूचना दी है, उम्मीद यही करते हैं कि दिल्ली में जो तमाम जो नेता मौजूद हैं चाहे वो संजय झा हो या जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार के तमाम लोग, वो तुरंत पहल करें, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से छठ और शारदा सिन्हा दोनों एक दूसरे की प्रियाई बन गई है और ऐसे में लोगों को अब जरूरत है। अब चूंकि छठ का समय और ऐसी खबर सुनने के बाद किसी के लिए भी एक कहीं ना कहीं झटका लग सकता है और इसलिए ऐसी सूचना मिलने के बाद तुरंत पहल होनी चाहिए, क्योंकि शारदा सिंह पिछले दो दिनों से खाना पीना छोड़ दिए हैं और डॉक्टरों की टीम जो है लगातार इलाज में जुटी हुई है। स्थिति काफी गंभीर है, हाल ही में उनके पति का निधन हुआ है जिसके बाद वो पूरी तरह सदमे से बाहर नहीं निकल सकी है। इस बीच जो खबर आई है कि ब्लड कैंसर के जो मरीज रही है वो हाल ही में डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद जो स्थिति है उनकी काफी बिगड़ती जा रही है और अब एक तरह से कहा जाए कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो, परिजन यही चाहते हैं कि तमाम जो नेताओं का जो एक तरह से कनेक्शन रहा शारदा सिन्हा से, जिस प्रकार से सभी नाज करते हैं गर्व करते हैं बिहार की धरोहर पर बेटी पर, ऐसे समय में तुरंत संवेदना दिखाते हुए उनकी मदद करें और इसके साथ साथ उनके लिए दुआ और प्रार्थना का जो दौर जारी है उसका भी असर देखने को मिले जी। वाकई रजनीश, न्यूज 18 एक माध्यम है, एक जरिया है और हमने अपनी बात पहुंचा दी है। शारदा सिन्हा की खबर, उनकी हालत सब बताया गया है और ऐसे में हम आशा करते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो है वो शारदा सिन्हा तक पहुंची ताकि वो जल्द से जल्द बेहतर हो सके। आशा करते हैं कि उनकी जल्द ही रिकवरी हो जाए और जल्द ही वो घर लौटकर वापस आए, क्योंकि अब छठ का त्यौहार नज़दीक है और हमारे कानों में अभी से ही उनके गीत गूंज रहे हैं और एक बिहारवासी होने के तौर पर ये बहुत ही दुखद खबर है हम सभी के लिए। आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो शारदा सिन्हा की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, दिल्ली एम्स में एक सप्ताह से भर्ती हैं। बहुत सारी गंभीर परेशानियों की वजह से उन्हें डॉक्टर्स के निगरानी में रखा गया है।